तो दोस्तों ये है हाइयर की 32 इंच एलईडी टीवी। एंड इसमें जो प्रॉब्लम है कि जो इसका डिस्प्ले है वो बंद चालू होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके, ताकि आप लोग को ये मालूम चल जाएगा। तो इसको मैं लगाता हूँ सीरीज़ में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका इंडिकेटर है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। एंड अब मैं करता हूँ इसको स्टैंड बाय से रिलीज़। तो यहाँ पर स्विच दिया हुआ है पावर का, ये हो चुका है रिलीज़ यहाँ से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसके डिस्प्ले पे यहाँ पर हाइयर लिखा चुका है, स्टार्टिंग में प्रॉपर आता है यहाँ पर। तो उसके बाद क्या होता है आप खुद देखना है। यहाँ पर ये देख सकते हो जो उसका डिस्प्ले है वो यहाँ पर बन चालू होना चालू हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अब दोस्तों इसमें हमारा दो फॉल्ट यहाँ पर हो सकती है। एक तो जो हमारा डिस्प्ले है उसमें जो 12 वोल्ट सप्लाई जाती है वो बन चालू हो रही होंगी, यानी आ रही है जा रही होंगी, तो इसका हमारा डिस्प्ले बन चालू हो रहा होगा। देन सेकंड दोस्तों जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा हूँ, यानी बन चालू हो रहा होगा। या तो हमारा इन्वर्टर बोर्ड ख़राब हो सकता है बैकलाइट का, या हमारा बैकलाइट ख़राब हो सकता है, या हमारा डिस्प्ले ख़राब हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, कैसे रिपेयर करना है, पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम वैसे छोड़ी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह है इसका मॉडल नंबर LE32M600। तो दोस्तों ये हायर कंपनी की है, तो मैंने इसके बैक कवर को ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हायर का बहुत ही पुराना मदरबोर्ड है। अभी दोस्तों स्टॉक के मदरबोर्ड हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ये बहुत ही पुराना मदरबोर्ड है हमारे हायर कंपनी के LED का। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको डबल FFC केबल देखने को मिल जाते हैं, ये वाला और ये वाला। तो दोस्तों इसका मतलब इसके अंदर दो सेपरेट बैकलाइट स्ट्रिप डली हुई है, दोनों की अलग अलग, बिकॉज यहाँ पर दो IC दी हुई है हमारे इन्वर्टर बोर्ड की। तो दोस्तों चले करते हैं इसको ऑन। ऑन करने के बाद देखते हैं कि जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर बन चालू होता है, या जो हमारा डिस्प्ले है वो यहाँ पर बन चालू होता है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ हमारे बैकलाइट को। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर चालू हो चुका है, और वो भी स्टेबल कंडीशन में, यानी ब्लिंक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। बट दोस्तों कुछ समय बाद क्या होता है, जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर ब्लिंक करना चालू कर देता है, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इससे ये कन्फर्म होगा जो हमारा फॉल्ट है या तो हमारे इन्वर्टर बोर्ड में फॉल्ट होगा बैकलाइट का, या जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर ख़राब होगा। दो में से कोई भी यहाँ पर एक चीज़ ख़राब हो सकती है, बट जो हमारा डिस्प्ले है वो यहाँ पर ओके है, उसमें प्रॉपर वोल्टेज जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा पूरा बैकलाइट है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके इन्वर्टर बोर्ड को कि जो इसका इन्वर्टर बोर्ड है उससे प्रॉपर वोल्टेज आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे बैकलाइट के लिए, और जो वोल्टेज आउट हो रहा है वो स्टेबल है कि नहीं। अगर उसका वोल्टेज ही यहाँ पर कम ज़्यादा होगा तो जो हमारा बैकलाइट है वो भी यहाँ पर बन चालू होगा। एंड जो मैं रेड वाली प्रॉब है उसको मैं रखता हूँ बैकलाइट के पॉजिटिव वाले पे, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने वोल्ट शो हो रहा है, 52 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के मदरबोर्ड में अगर आपको इस टाइप का FFC केबल देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों इसका जो मिडिल वाला है वो हमारा पॉजिटिव कहलाता है, स्टार्टिंग का और लास्ट वाला हमारा नेगेटिव कहलाता है। तो यहाँ पर हमको 52 वोल्ट देखने को मिल जाता है जो कि स्टेबल है। देन अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ दूसरी वाली बैकलाइट की स्ट्रिप में, मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रॉब को। एंड यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है आप देख सकते हो, 51, 52 वोल्ट यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो इसका मतलब वो दोस्तों जो हमारा इन्वर्टर बोर्ड है उससे दोनों स्ट्रिप के लिए प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पर आउट हो रहे हैं, यानी 51, 52 वोल्ट यहाँ पर आउट हो रहा है, वो भी स्टेबल है, यानी कोई ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब वो दोस्तों जो हमारा फॉल्ट है वो हमारे बैकलाइट पे। तो दोस्तों हमको इसका फॉल्ट यहाँ पर मिल चुका है, जो इसका बैकलाइट है वो यहाँ पर ख़राब है, यानी जो हमारा इन्वर्टर बोर्ड है उससे प्रॉपर वोल्टेज आउट हो रहा है, 52, 53 वोल्ट यहाँ पर आउट हो रहा है, वो भी स्टेबल कंडीशन में, बट जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर बन चालू हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं इसके डिस्प्ले को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं को दिखाता हूँ कि हमारा कौन सा बैकलाइट यहाँ पर ख़राब है। तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले के फ्रंट फ्रेम को निकाल दिया हूँ। एंड हाँ दोस्तों आप बारे आते डिस्प्ले को निकालने की, बट दोस्तों उससे पहले हमको चेक करना पड़ेगा जो उसका डिस्प्ले है वो इसके इनर फ्रेम के साथ चिपका हुआ तो नहीं है। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले वाइंडिंग पेपर का, और हमको स्टेप्स यहाँ पर करना पड़ेगा, आप देख सकते हो हमको चेक करना पड़ेगा जो हमारा डिस्प्ले है वो इसके इनर फ्रेम के साथ चिपका हुआ तो नहीं है। तो हम स्टेप्स यहाँ पर चेक कर लेंगे एक बार, बिकॉज अगर हमारा एक भी साइड चिपका हुआ होगा एंड आप डिस्प्ले को उठा देते हो तो क्या होगा, जो आपका डिस्प्ले है उसमें क्रैक होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर सेफ्टी के साथ सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे कि जो हमारा डिस्प्ले है वो प्रॉपर डिस्कनेक्ट है कि नहीं हमारे इनर फ्रेम के साथ। तो यहाँ पर हमारा कॉप आ चुका है, देन मैं यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा डिस्प्ले है वो पूरा डिस्कनेक्ट है हमारे इनर फ्रेम के साथ। तो अब हम इजीली यहाँ पर डिस्प्ले को उठा के प्रॉपर रख सकते हैं। तो मैंने इसका डिस्प्ले को निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद दोस्तों अब मैं इसके इनर फ्रेम को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैकलाइट। तो ये है इसका बैकलाइट, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अब मैं करता हूँ इसको चालू। चालू करने के बाद देखते कि हमारा कौन सा बैकलाइट यहाँ पर बन चालू होता है। तो अब मैं करता हूँ इसका स्टेमर से रिलीज़। रिलीज़ होने के बाद दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा बैकलाइट यहाँ पर बन चालू होता है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे जो हमारी ऊपर की बैकलाइट है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है एंड जो हमारी नीचे की बैकलाइट है वो यहाँ पर चालू नहीं हो पाई। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख पा रहे जो हमारी ऊपर की बैकलाइट है वो यहाँ पर बंद चालू होना चालू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों मैंने यहाँ पर न्यू बैकलाइट को लगा दिया हूँ जो कि 7 बल्ब की है 6 वोल्ट में। से पहले यहाँ पर 3 वोल्ट की लगी हुई थी बट अभी मैंने यहाँ पर 6 वोल्ट की लगा दिया हूँ जो कि 7 बल्ब की है एंड मैंने यहाँ पर दोनों कनेक्शन को निकाल दिया हूँ बाहर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों स्ट्रिप को जो कनेक्शन है हमारा सिंगल मैंने यहाँ पर वायर को बाहर निकाल दिया हूँ, बाद में उसका कनेक्शन पूरा यहाँ पर कर दूंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो हमारा ब्लू वाला है वो हमारा नेगेटिव वाला है एंड जो हमारा ब्राउन वाला है वो हमारा पॉजिटिव वाला है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर इससे कनेक्शन कर देता हूँ, कनेक्शन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बट दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो हमारा इस टाइप का सॉकेट रहता है बैकलाइट का उसमें कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है कैसा फाइंड आउट कर सकते हो। या तो आप पुराने वाले बैकलाइट को देख के यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यह हमारा मिडिल वाला बैकलाइट है जिसमें 2 यहाँ पर सेक्शन दिए हुए हैं, हाफ हमारे ऊपर वाले बैकलाइट के लिए और हाफ हमारे नीचे वाले बैकलाइट के। तो दोस्तों मैं इसके वाले SFC केबल को यहाँ पर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो IC में यहाँ पर डॉट दिए हुए हैं ये वाले डॉट, यहाँ पर भी कोई भी शॉर्टिंग आपको शो नहीं हो रही, आप देख सकते हो एक मिक्स से यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग शो नहीं हो रही है, ये देख पा रहे यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमारे पूरे ग्राउंड है, यानी जब हम यहाँ पर SFC केबल को लगाते हैं ये वाले केबल को तो क्या होगा जो हमारे पॉइंट है वाले वो पूरे यहाँ पर शॉर्ट हो जाएंगे, बट जो हमारा पॉजिटिव वाला वो अलग है यहाँ से एंड जो हमारा नेगेटिव वाला है जितने भी वो हमारे IC के थ्रू यहाँ पर आए। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, लगाने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बजर के बाद सुनाई दे रही होंगी, ये देख सकते हो यहाँ पर फुल शॉर्ट हो गया, ये भी यहाँ पर फुल शॉर्ट हो चुका है आप देख सकते हो। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर केबल लगता है हमारा SFC केबल बैकलाइट का तो क्या होता है जो हमारा नेगेटिव वाला है जो कि IC के थ्रू आया है वो पूरा यहाँ पर कॉमन हो जाता है एंड जो पॉजिटिव वाला दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हो, ये हमारा बीच वाला पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव वाला है, यहाँ पर कुछ भी सुनी होगा, ये बीच वाला हमारा पॉजिटिव वाला है, यहाँ पर बजर आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव वाला है एंड दोस्तों इसका ही पॉजिटिव वाला यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला इसका पॉजिटिव वाला है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ दोस्तों जो हमारे नेगेटिव वाले पॉइंट थे उसको मैंने शॉर्ट कर दिया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख पा रूँगा यहाँ पर ये जो पूरे पॉइंट थे यहाँ पर जो कि केबल लगाने के बाद यहाँ पर शॉर्ट हो रहे थे तो मैंने इसको पहले से यहाँ पर शॉर्ट कर दिया वायर के थ्रू एंड ये हमारा पॉजिटिव वाला एंड ये हमारा पॉजिटिव वाला। बट दोस्तों जो हमारा पॉजिटिव वाला है वो यहाँ पर कॉमन है एंड जो नेगेटिव वाला दोस्तों वो हमारे IC के थ्रू आया है जिसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया हूँ, यहाँ पर आप देख पाऊंगे इस टाइप से। तो दोस्तों अब हम करते हैं इसको चालू करने का, देखते हैं जो हमारा फॉल्ट है ब्लिंकिंग का वो यहाँ पर रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया। तो दोस्तों पॉजिटिव वाला हमारा कॉमन है एंड जो हमारा ब्लू वाला वायर है नेगेटिव वाला वो दोनों IC के थ्रू आया है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं करता हूँ इसको चालू करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका प्लग इसको लगाता हूँ यहाँ पर एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसको मैंने इंडिकेटर का स्विच नहीं लगाया, इसको मैं डायरेक्ट स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ स्विच के थ्रू एंड यहाँ पर हमारा बैकलाइट चालू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हमारा बैकलाइट चालू हो चुका है आप देख सकते हो एंड अब हम चेक कर लेते हैं हमारे बैकलाइट को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारा बैकलाइट वो यहाँ पर चालू हो चुका है एंड जो हमारा फॉल्ट था ब्लिंकिंग का वो यहाँ पर रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके पास इस टाइप की LED आती है एंड उसमें SFC केबल होता है तो। बट दोस्तों आखिर में क्या होता है जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हमारे IC से ही आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग को थोड़ा फाइंड आउट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डिस्प्ले को पूरा लगा दिया हूँ, लगाने का दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरे कनेक्शन कंप्लीट कर दिया हूँ। करने के बाद दोस्तों मैं करता हूँ उसको चालू करना, देखते हो जो हमारा डिस्प्ले है वो यहाँ पर चालू होता है कि नहीं होता एंड जो हमारा ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है डिस्प्ले ब्लिंकिंग का वो यहाँ पर रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। एंड दोस्तों मैंने यहाँ पर सेफ्टी के लिए चारों वायर के ऊपर ग्लू को पिला दिया हूँ। तो चलिए करते हैं उसको पैक करने के बाद देखते हैं कि जो हमारा फॉल्ट है ब्लिंकिंग का वो यहाँ पर रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारा फॉल्ट है ब्लिंकिंग का वो यहाँ पर रिपेयर हो चुका है। तो बस आज की वीडियो में इतने बताना था कि आप कैसे इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब मचाना ताकि मैं सी और वीडियो बताता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।